दोस्तों मेरा नाम है अभिनव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों सैमसंग फाइनली जो है कमाल करने वाला है इंडियन मार्केट में। जैसा कि आपको पता होगा कि सैमसंग का एक यहाँ पर सीरीज आने वाला था, सैमसंग का एम सीरीज। ये जो है लीक्स एंड रूमर्स जो है बहुत महीने से चल रहा था कि ये फोन इंडिया में सबसे पहले लॉन्च होगा, सैमसंग का एम सीरीज, और ये काफी कम प्राइस में लॉन्च होगा। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये जरूर था कि सैमसंग जो है 10,000 के रेंज में ऐसा फ़ोन लॉन्च नहीं कर सकता है। जैसा कि सैमसंग का हिस्ट्री रहा है कि 10,000 के रेंज में जो फ़ोन होते हैं या 20,000 के रेंज में जो फ़ोन होते हैं सैमसंग के, वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। वो फ़ोन जो है सैमसंग के जो फ़ैन होते हैं वही सिर्फ खरीदते हैं, अदर लोग वो फ़ोन नहीं खरीदते हैं। लेकिन अब जो सैमसंग को है दिमाग मेरे ख्याल से आ गया है कि इंडियन मार्केट में क्या चलने वाला है। यहाँ के लोग चीपेस्ट वाला, यहाँ पर कम पैसे वाला फ़ोन नहीं खरीदेंगे। यहाँ के लोगों को पैसे का वैल्यू चाहिए, वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन चाहिए। अब फाइनली जो है सैमसंग जो है एम सीरीज को डेवलप कर रहा है इंडियन मार्केट के लिए। सबसे पहले बता दूँ कि ये सीरीज जो होने वाला है सबसे पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, उसके बाद कहीं और होगा। तो यहाँ पर जो फाइनली जो है इंडियन मार्केट के लिए सैमसंग कुछ अलग करने वाला है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो स्पेशल है इंडियन मार्केट के लिए करने वाला है, और ये कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली। जी हाँ, सैमसंग का एम सीरीज लॉन्च होगा इंडिया में 28 जनवरी को। जी हाँ, 28 जनवरी को। और दोस्तों ये जो अमेजोन पे इसका लैंडिंग पेज आ चुका है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि सैमसंग के एम सीरीज में जो लैंडिंग पेज आया है amazon.in पर, इसमें आपको क्या क्या हाइलाइटेड चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है सैमसंग की तरफ से, और भी बहुत कुछ यहाँ पर लीक्स निकल कर आए हैं इन सारे फ़ोन के बारे में। क्या क्या मॉडल नंबर होगा, कितना इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इसका प्राइस कितना तक हो सकता है, तो आपको सब कुछ मैं डिटेल दे देता हूँ। दोस्तों अगर आप Amazon के लैंडिंग पेज पर जाएंगे तो सैमसंग का एम सीरीज आपको दिखाएगा, और यहाँ पर लिखा गया है #IAmPowered। जी हाँ, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको सब कुछ यहाँ पर जो है एक अच्छा पैकेज सैमसंग की तरफ से मिलने वाला है, एक पावरफुल डिवाइस आपको मिलने वाला है ये एम सीरीज में। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि दूसरे पेज में आप देखेंगे और यहाँ पर लिखा गया है IAmInfinite। तो यहाँ पर बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर सैमसंग का जो ये डिस्प्ले है, यू शेप का डिस्प्ले, वी शेप का डिस्प्ले, ओ शेप का डिस्प्ले, ये आपको शेप जो है बहुत दिन पहले ही सैमसंग ने लॉन्च कर दिया था इस डिस्प्ले को। तो फाइनली जो सैमसंग का डिवाइस नॉच के साथ लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल अगर आप यहाँ पर देखेंगे नॉच जो है रियलमी 2 प्रो जैसा, रियलमी U1 जैसा देखने में लगता है, और स्क्रीन टू वीडियो रेशियो जो है काफ़ी कम है। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि रियलमी U जैसा आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन तो डिस्प्ले जो है कमाल का होने वाला है सैमसंग का, हमेशा से ही डिस्प्ले जो है गजब होता ही है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे लैंडिंग पेज में तो यहाँ पर कैमरा को हाईलाइटेड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर सब कंपनी जो है डुअल कैमरा अब यूज़ कर रही है, तो सैमसंग भी यहाँ पर कम प्राइस में डुअल कैमरा का आपको मजा देगा। अगर बात करेंगे कैमरा के यहाँ पर स्पेक्स के बारे में, तो आपको यहाँ पर कैमरा जो अच्छा मिलेगा डुअल कैमरा तो मिलेगा ही, लेकिन आपको यहाँ पर जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा नहीं होगा, वो अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा होगा। जी हाँ, ये कैमरा जो है सैमसंग यूज़ करेगा, अदर कंपनी की तरह यहाँ पर जो है एक नॉर्मल सा कैमरा दे देगा 2 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का, वो नहीं होगा। ये कोई स्पेशल कैमरा होगा जिससे कि आपको रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है सैमसंग के डिवाइस से, इस एम सीरीज के डिवाइस से। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया IAmCharge। दोस्तों सैमसंग के डिवाइस में सबसे बड़ा बैटरी आपको एम सीरीज के डिवाइस में मिलने वाला है। जी हाँ, सैमसंग जो है इस बार यहाँ पर सबसे, यहाँ पर जो बता दूँ कि अब तक के जितने भी स्मार्टफोन सैमसंग का है सबसे ज़्यादा बैटरी जो है इसी डिवाइस में, इसी सीरीज में लॉन्च करने वाला है। 5000 mAh तक आपको बैटरी मिलेगा इस सारे फ़ोन में। जी हाँ, एम सीरीज कितने भी फ़ोन लॉन्च होंगे। अब आपको बता दूं कि यही नहीं, सैमसंग ने यह भी कंफर्म कर दिया कि इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 8-9-10 हज़ार में आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलने वाला है एम सीरीज में, और ये टाइप सी नॉर्मल टाइप सी नहीं होगा, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। जी हाँ, ये सैमसंग का कोई टेक्नोलॉजी होगा ये जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर मेन बात है कि आपको प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सैमसंग ने ऐसा हिंट जरूर दिया है कि आपको जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेसर होगा ये मतलब बता दूँ कि स्नैपड्रैगन का कोई यूज़ करेंगे, क्वालकॉम का, या सैमसंग का एक्जिनोस कोई यूज़ होगा, ये अभी कन्फर्म नहीं है। अगर यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 660 यूज़ होता है या 637 यूज़ होता है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में जितना भी यहाँ पर निकल कर आया है मार्केट में, और दोस्तों Amazon इंडिया के पेज पर, और कुछ लीक्स एंड रूमर्स के अनुसार 3 फोन लॉन्च होंगे M10, M20, M30, और इसका प्राइस जो है काफ़ी किलर होने वाला है। बताया जा रहा है कि M10 का प्राइस जो है वो 10,000 से नीचे ही होगा, तो मान सकते हैं 8,999 या 9,999, इस रेंज में M10 आपको देखने को मिलेगा। M20 आपको 15,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा, और M30 जो होगा वो 20,000 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 20,000 तक में सैमसंग जो है 3 फोन लॉन्च करेगा 28 जनवरी को इंडिया में, और ये काफ़ी कमाल करने वाला दोस्तों, यकीन मानिए। इसका जो दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, मेटल बॉडी के साथ आएगा, तो मतलब दिखने में काफ़ी
अच्छा है, एक सिंपल सा लुक है। और दोस्तों सैमसंग का डिवाइस आपको पता होगा कितना अच्छा होता है, अगर सैमसंग के फैन हैं आप तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर सैमसंग जो है इस रेंज में भी कमाल करने वाला, तो Xiaomi, Realme जितने भी यहाँ पर इस रेंज में ऑनर जो है या Asus है, सबको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि सैमसंग को अब ध्यान आ गया है इंडियन मार्केट के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप एक्साइटेड हो इस स्मार्टफोन के लिए? आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों आप कुछ चीज़ भूल रहे हैं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।